नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 की आज से हुई शुरुआत। आज से कर सकते हैं नगर निकायों में वार्डों के गठन पर दावा आपत्ति। गंगा किनारे और एनएच के पास अब नहीं खुलेंगे ईंट भट्टे। बिहार में पहली बार मिला BA.12 वेरियंट। इस बार गेंद नहीं बल्कि बल्ले से मैच जीत ले गए राशिद खान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 की आज से हुई शुरुआत। बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 की शुरुआत बिहार म्यूजियम में हो गई है। इसका आयोजन दो दिन तक चलेगा। इस अवसर पर अलग अलग खेलों के कोच और खिलाड़ियों को बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकार की तरफ से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन, विभाग की सचिव वंदना प्रियसी, खेल डीजी रविन्द्र शंकरन और एमएलसी और इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह ने इन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस आयोजन के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और उसी अनुसार बिहार की खेल प्रतिभाओं को ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में बिहार के खेल इतिहास से जुड़ी 3 मिनट की लघु फिल्म भी दिखाई गई। आज से कर सकते हैं नगर निकायों में वार्डों के गठन पर आपत्ति और दावा। बिहार के नवगठित नगर निकायों में वार्डों के गठन का दावा आपत्ति के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है। इसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य के 6 नए नगर निगम समेत 79 नवगठित, उत्क्रमित और विस्तारित नगर निकायों में गुरुवार यानी कि आज से वार्ड गठन को लेकर दावा और आपत्ति का क्रम शुरू हो जाएगा। आयोग ने 27 अप्रैल तक सीमांकन का पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया है। अब इसी आधार पर नवगठित वार्ड का प्रकाशन प्रारूप 28 अप्रैल 2022 को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि आपत्तियों की प्राप्ति के लिए आयोग ने 28 अप्रैल से लेकर 11 मई तक निर्धारित की है। कारखानों में काम कर रहे 2,31,119 लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। बिहार के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को बिहार सरकार तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के सभी निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जाएगी। खासकर 45 साल से अधिक उम्र वाले मजदूरों या कामगारों के स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी, ताकि इन लोगों को सही समय पर उचित इलाज मिल सके। श्रम संसाधन विभाग का यह आदेश अब अमल में आ गया है। आपको बता दें कि राज्य में करीब 8,479 निबंधित कारखाने हैं, जिसमें 2,31,119 लोग काम करते हैं। इन कामगारों के स्वास्थ्य जांच की अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से कई बार अप्रिय घटना भी घटती रहती है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। गंगा किनारे और एनएच के पास अब नहीं खुलेंगे ईंट और भट्ठे। राज्य के कुछ जिलों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसमें से एक योगदान ईंट भट्टों का भी है। ईंट भट्टे का योगदान गंगा को प्रदूषित करने में भी उतना ही है जितना हवा को प्रदूषित करने में। ऐसे में सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है कि अब ईंट भट्टे गंगा नदी के किनारे स्थापित नहीं किए जाएंगे। 1 किलोमीटर के अंदर दूसरा ईंट भट्टा भी नहीं होगा। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों से भट्टे की दूरी 200 मीटर और फोरलेन से 300 मीटर से ज्यादा रखनी होगी। हालांकि इससे पुराने ईंट भट्टों को अलग रखा गया है और फिलहाल नए ईंट भट्टा खोलने के मानकों पर सख्ती बरती जा रही है। बिहार में पहली बार मिला BA.12 वेरिएंट। बिहार में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने की कोशिश में है। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार BA.12 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में संक्रमितों के 13 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। करीब 2 महीने बाद 10 दिन पहले सैंपल के लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसमें 12 सैंपल में BN.2 वायरस मिला, जबकि 1 सैंपल में BA.12 मिला है। ये रिपोर्ट बीते दिन देर रात आई है। मालूम हो कि कई देशों में BA.12 पहले ही आ चुका है। बिहार में यह पहली बार मिला है। इस वेरिएंट को लेकर रिसर्च किया जा रहा है। वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता कुमारी ने बताया है कि नए वेरिएंट XE को लेकर ज्यादा डेटा हमारे पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बिहार वासियों को जल्द मिल सकती है लू से राहत। बिहार में तेज धूप और गर्म हवाओं ने भारी कहर बरपाया है। बिहार के दक्षिणी हिस्सों का तो हाल और भी बुरा है। फिलहाल बिहार के दक्षिणी भागों के लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली। वहीं मौसम विभाग की माने तो बिहार के उत्तरी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जरूर है। मौसम विभाग की माने तो देश के दक्षिणी भागों में पछुआ की मजबूत स्थिति बनी हुई है। ये अगले 3 दिनों तक रहेगी। प्रदेश में शनिवार से पूर्वा हवा के मजबूत होने की संभावना है, जिसके बाद लू से थोड़ी बहुत राहत मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तरी भागों में बारिश और ठनका का पूर्वानुमान है। पूर्व शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल के बेटे का निधन। पूर्व शिक्षा मंत्री और राजद नेता वृषिण पटेल के बेटे का आज निधन हो गया। वृषिण पटेल के बेटे कई दिनों से बीमार चल रहे थे और काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज पटना के एक अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद सियासी जगत में शोक की लहर है। निधन से पहले बीमार चल रहे वृषिण पटेल के बेटे से मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और उनका हाल चाल जाना था, और आज खबर आई है कि इलाज के दौरान अस्पताल में ही वृषिण पटेल के बेटे का निधन हो गया। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 3 वर्ष से जमे क्लर्क का होगा तबादला।
बिहार के अलग अलग जिलों में औषधि निरीक्षक कार्यालय में 3 या उससे अधिक वर्ष से पद पर स्थापित या फिर प्रतिनियुक्त क्लर्कों को स्वास्थ्य विभाग ने अगले 3 दिनों में किसी अन्य स्थान पर भेजने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि एक ही जगह पर 3 वर्ष तक किसी को पद स्थापित रखना सरकारी नियमों के विपरीत है। ऐसे में निदेशक प्रमुख रोग स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर राकेश चंद्र सहाय वर्मा की तरफ से इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षकों और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का आकलन है कि क्षेत्रीय ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय में बड़ी संख्या में 3 वर्ष या इससे अधिक वर्ष से पद स्थापित या फिर प्रतिनियुक्त है, जिनका नुकसान यह है कि लंबे अरसे तक एक ही क्षेत्र में इन क्लर्क का टिके रहना है। दरभंगा पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन बीते दिन दरभंगा पहुंची। फैंस उन्हें अपने बीच पाकर काफी खुश दिखे। आपको बता दें कि रवीना टंडन एक मोटर कंपनी के शोरूम का उद्घाटन के लिए आई थी। उद्घाटन में रवीना टंडन को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। उनका आज ही मुंबई वापस लौटने का शेड्यूल है। मालूम हो कि रवीना अब तक कई सुपरहिट फिल्म दे चुकी है। कुल 63 फिल्म में रवीना टंडन ने काम किया है। इसमें बिहार में भी उनके फैंस की कोई कमी नहीं है। मंदिर में बैठकर पढ़ने के मजबूर हुए यहाँ के बच्चे। बिहार में शिक्षा का बजट 39,000 करोड़ है, लेकिन फिर भी इस बीच खबर आती है कि बच्चे मंदिरों में पढ़ने को मजबूर है, तो ये विषय शोचनीय है। देश में बिहार में बजट का 20% हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च होता है। शिक्षा के लिए 39,191 करोड़ की राशि दी गई है, लेकिन इस बीच खबर ये आई है कि पटना सिटी में माल सलामी अंचल के राजकीय मध्य विद्यालय जो 1 से 8 तक है, जो मंदिर प्रांगण में बने सामुदायिक भवन में चलते हैं, 1975 से निरंतर चलने वाले स्कूल में ना तो अपना कोई भवन है और ना ही बैठने के लिए जगह है। यहाँ सैकड़ों छात्र दरी में ही अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। शिक्षक और छात्र असामाजिक लोगों के दहशत के साय में जी रहे हैं। पत्राचार के माध्यम से शिक्षा विभाग के सारे अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक स्कूल का भवन नहीं हो सका है। शिक्षिका चंदा करके मंदिर का किराया 3,000 रुपए देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य के 1885 स्कूल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उनके पास जमीन नहीं थी। वीआईपी सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए की खास अपील। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। मुकेश सहनी ने इस पत्र में ये मांग की है कि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के चुनाव में लिया जाने वाला 5,000 रुपए शुल्क सरकार वापस करे। मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री को अपने पत्र में पूर्व में बने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के चुनाव के लिए 700 मतदाताओं पर सहयोग समितियों से 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का समूह है। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये 5,000 रुपए चुका सके। पटना में रहना है तो मेहनत करनी होगी वरना बाहर कर दिए जाएंगे। पटना में रहना है तो मेहनत करनी होगी नहीं तो राजधानी से बाहर कर दिए जाएंगे। ये आम लोगों के लिए नहीं बल्कि राजधानी पटना के पुलिसकर्मियों के लिए कही गई है और ये बात डीजीपी एसके सिंघल ने कही है। दरअसल पुलिसिंग के लिहाज से संवेदनशील थानों के कामकाज की समीक्षा को लेकर पुलिस अफसरों की टीम फील्ड में डटी है और साथ ही मुख्यालय के सीनियर पुलिस अफसरों के साथ रेंज आईजी डीआईजी और जिलों के एसपी को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में डीजीपी एसके सिंघल खुद पटना के दीघा और राजीव नगर थाना पहुंचे और एक एक बिंदु पर समीक्षा की और इसी बीच उन्होंने पुलिसकर्मियों को कहा कि पटना में रहना है तो मेहनत करनी होगी नहीं तो राजधानी से बाहर कर दिए जाएंगे। इस बार पटना हाईकोर्ट ने पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गिरफ्तारी से राहत। मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी पर 9 मई 2022 तक रोक लगाकर राहत दी है। जस्टिस आशुतोष कुमार ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निगरानी विभाग से जवाब तलब किया है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट को 3 सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का आग्रह किया था, साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दिया था और अब पटना हाईकोर्ट ने पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी पर 9 मई तक रोक लगा दी है और निगरानी विभाग से जवाब तलब किया है और अब इस मामले पर सुनवाई 9 मई को होगी। दोगुनी तेजी से बढ़ी बिहार में कोरोना। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33 तक पहुंच गई है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 1,02,268 सैंपल की जांच हुई। इसके बाद राज्य में 14 नए कोरोना के मामले मिले हैं। भागलपुर में 1, सहरसा और दरभंगा में क्रमशः 3 और सबसे ज्यादा पटना में 7 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं देशभर की बात करें तो बुधवार को जारी किए गए 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 16,980 है, यानी एक्टिव केस की संख्या बढ़ गई है।
इस बार गेंद नहीं बल्कि बल्ले से मैच जीत ले गए राशिद खान। गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया मुकाबला काफी रोमांचक साबित हुआ और हार जीत का फैसला अंतिम गेंद पर हुआ। दूसरी पारी के अंतिम ओवर तक सनराइजर हैदराबाद ने मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। सनराइजर हैदराबाद के पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मार्को जॉनसन के हाथों में गेंद थी और उनको राहुल तेवतिया और राशिद खान के सामने 6 गेंद में 22 रनों का बचाव करना था, लेकिन गुजरात के इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अलग सोच रखा था और अंतिम 6 गेंदों में मिलकर 25 रन बटोर डाले और हर हवा मुकाबला गुजरात की झोली में डाल दिया। इससे पहले हैदराबाद ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 196 रन का विशाल लक्ष्य गुजरात को दिया। उमरान मलिक की शानदार गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर हैदराबाद की टीम ने मैच में पकड़ हासिल कर ली थी। मलिक ने 4 ओवर में 25 रन खर्च कर 5 विकेट चटकाए थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है ऋषि कुमार, ब्रह्मदेव पोदार, शंकर मुखिया, नितेश, मृत्युंजय कुमार, ध्रुव कुमार, नीतीश कुमार, रंजीत मिश्रा, मीना कुमारी, विभा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार के कारखानों में स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने की सरकार की यह योजना मजदूरों के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।